हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है कर्टियस रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। और बहुत जगह ऐसा होता है कि कर्टियस रीअरेंजमेंट भी लिखा होता है, तो कोई बात नहीं, कर्टियस रिएक्शन हो या फिर कर्टियस रीअरेंजमेंट हो, हम दोनों को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि मान लीजिए किसी भी एग्जाम में, क्या वो जेईई मेंस हो, जेईई हो या फिर नीट हो, ठीक है, अगर वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में अगर आपको दे दे और पिक कैसे करोगे कि ये कर्टियस रिएक्शन ही होगी, तो सबसे पहले हम उसके बात करते हैं कि आप कैसे पिक करोगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आपका जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट में क्या होना चाहिए, एसाइल क्लोराइड होना चाहिए या एसाइल हैलाइड भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि श्योरली एसाइल क्लोराइड ही चाहिए, एसाइल कोई भी हैलाइड ले सकते हो। एक्चुअली क्या होता है कि एसाइल क्लोराइड मेन होता है आसानी से, क्योंकि जो क्लोरीन है वो आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो जो है पहला जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, एसाइल क्लोराइड, ठीक है, ये एसाइल क्लोराइड हो गया। अब उसके बाद जो है रिएजेंट्स की बात करेंगे कि रिएजेंट्स में क्या क्या होते हैं। तो जो रिएजेंट, पहला रिएजेंट होता है वो होता है सोडियम एजाइड NaN3, ठीक है, ये सोडियम एजाइड होगा। और दूसरे में क्या रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, उसमें आप हीट करोगे और वाटर। अगर कहीं भी आपको ऐसा दिख जाए कि सोडियम एजाइड है या हीट और वाटर कहीं कहीं मेंशन नहीं होता है, तो भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि सोडियम एजाइड और हीट और वाटर है, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट जो है मेरा वाटर है। तो अगर ये आपको दिख जाए, कहीं सीरीज रिएक्शंस में दिख जाए, या फिर ऐसे होता है कि ए बी फॉर्म करता है और बी में फिर आपको ऐसे दिया होगा कि सोडियम एजाइड दिया होगा, ठीक है, और हीट और वाटर दिया होगा, तो ऐसी रिएक्शंस में भी आपको पिक करना है, तो आपको यही ध्यान देना होगा। इससे पहले आपको पता चल जाएगा कि ये एसाइल क्लोराइड ही जो बी बन रहा है वो एसाइल क्लोराइड होगा, ठीक है। कुछ हमें से रेट्रोसिंथेसिस का मतलब होता है कि हम रिवर्स जाके फाइंड आउट करते हैं रिएक्टेंट्स को, चलिए हमें वो नहीं देखना, हमें फिलहाल जो है कि सोडियम एजाइड को अगर आपको पिक करना है कि कर्टियस रिएक्शन ही हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोडियम एजाइड मेंशन किया होगा उस रिएक्शन में, और सोडियम एजाइड के साथ साथ ही और वाटर एज ए सॉल्वेंट हो। चलिए, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलेगा, एमाइन प्रोडक्ट मिलेगा, समझ में आ रही बात। अगर वाटर के साथ आपने किया है तो एमाइन प्रोडक्ट मिलेगा, अगर आप आर ओ एच ले लेते हो, एल्कोहल ले लोगे, तो वो कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मान लो कि कुछ और आपने ले लिया, जैसे यहाँ पे ये ले लिया वाटर, तो आपको एमाइन मिलेगा, एल्कोहल लोगे तो आपको कार्बामेट एसिड मिलता है, वैसे ही वेरियस प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन स्पेशली जो हम आज बात करेंगे कि वाटर के साथ क्या रिएक्शंस होते हैं और एमाइन प्रोडक्ट फॉर्म करता है, वो देखना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कर्टियस को पिक करना आ गया है आपको, अब कर्टियस रिएक्शंस की रीअरेंजमेंट या उसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे। तो अगला जो स्लाइड है, यहाँ पर हम कर्टियस रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं बच्चों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास क्या होगा, एसाइल क्लोराइड होगा, तो मैंने क्या रखा हुआ है, ये देखिए एग्जाम्पल में CH3COCl, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिएक्ट करने वाला है, इसको मिटाई देते, जो कौन रिएक्ट करेगा सबसे पहले, एसाइल जो एजाइड जो है वो एजाइड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा एसाइल क्लोराइड से। वो क्यों रिएक्ट करेगा उसकी भी बात करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो एजाइड मॉलिक्यूल्स है, एजाइड आयन बोलिए या मॉलिक्यूल बोलिए, यहाँ पे जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो एजाइड मॉलिक्यूल्स है, आप इसकी बात करेंगे तो ये कैसा बिहेव करेगा, बोलो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की तरफ। अब जैसे ये न्यूक्लियोफाइल हमें दिखा, तो कहीं ना कहीं अगर इलेक्ट्रोफाइल हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाए यहाँ पर। ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा और ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, जिससे इस कार्बोनिल कार्बन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी इस कार्बोनिल कार्बन पर, जिससे ये कार्बोनिल कार्बन कैसा बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर बिहेव करेगा। समझ में आ रही है बात। तो अब बताइए हमने क्या क्या पिक कर लिया, इलेक्ट्रोफाइल भी हमारे पास है, न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास है, तो अब ये जो है
इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक होगा इसको समझिए, क्योंकि जो कार्बन है वो मोर देन फोर वैलेंसी शो नहीं कर सकता, फाइव वैलेंसी शो नहीं कर सकता ये कार्बन, इसलिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखिए ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आगे मिलेगा उसको हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी ओ माइनस, यहाँ पर जो है वो सी एल, और यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। और एक बात ध्यान दीजिए, ये जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा बोलो बच्चों, नाइट्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। इसलिए यहाँ पर आप देखोगे ये नाइट्रोजन जो है कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया है। चलो अब बात करते अगले स्टेप के मैकेनिज्म की। यहाँ तो जो है एसाइल क्लोराइड था, ये क्या था मेरा बोलो बच्चों, एसाइल क्लोराइड था। अब ये एसाइल क्लोराइड जो है एसाइल एजाइड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देखिए अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये जो है सब्स्टिट्यूशन के थ्रू निकल जाएगा, तो सीएल जो है माइनस वो मेरा रिमूव हो गया, यहाँ पे सीएल माइनस रिमूव हो गया, समझ में आ रही है बात। अब चलिए ये फिर दोबारा कार्बोनिल स्ट्रक्चर रीगेन कर लेगा, तो यहाँ पे जो अगला स्ट्रक्चर जो फॉर्म करने वाला है वो आप देख सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे जो है ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। देखिए पहले एसाइल क्लोराइड था, अब जैसे ही मैंने एजाइड से, सोडियम एजाइड से रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया, यहाँ पर बताओ बच्चों, एसाइल एजाइड बन गया है, क्या बन गया है, एसाइल एजाइड बन गया, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, एसाइल एजाइड, यानी कि एसाइल क्लोराइड से हम कहां आ गए, एसाइल एजाइड। अब एक बात और है कि यहां पर देखेंगे ये जो नाइट्रोजन है ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने की वजह से देखिए यहां पे आपको चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चार्ज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अगर ये बॉन्ड इधर मैं ब्रेक करता हूं तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होने का क्या सेंस निकल रहा है, इसके नाइट्रोजन के पास पहले से एक चार्ज था, एक चार्ज और आया, लेकिन एम्प्टी पी ऑर्बिटल आ गई, इस बार क्या आ गई, एम्प्टी पी ऑर्बिटल आ गई, एक ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने से, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास है वो एम्प्टी पी ऑर्बिटल में दे करके क्या बॉन्ड क्या कर देगा, वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा, समझ में आ रही है बात। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड बना देते हैं, सॉरी पाई बॉन्ड बनाएंगे, और वो जो पाई बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान से देखते रहिए, ये जो है कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर जो है ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके पाई बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और एक पॉजिटिव चार्ज अभी भी नाइट्रोजन एटम पर रहेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब एक बात बताइए कि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर मिला हुआ है, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, कैसा काम करेगा बोलो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, और ये जैसे ही एम्प्टी ऑर्बिटल हुआ लोन पेयर दिया तो इसके साथ क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पर हम इसको स्टडी करते हैं कि अगले स्ट्रक्चर में जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उसको देखो क्या होगा। चलिए तो ये आपका जो स्ट्रक्चर मिल निकल के आ रहा है वो CH3 आ रहा है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर जो है वो N प्लस और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। उम्मीद करता हूँ ये भी स्टेप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये नेगेटिव आप देखिए ये जो है
निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो इधर जैसे ही ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड बना देगा। समझ में आ रही है बात? अब क्या होगा, अगले स्टेप में 1.2 मिथाइल शिफ्ट होगा। क्या होगा बोलो बच्चों? मिथाइल शिफ्ट, इसी को बोल देते कर्टियस रीअरेंजमेंट बोल देंगे या 1.2 मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे। एक बात बताइए, मैं यहां पर नंबरिंग करता हूं, क्या करता हूं बताओ बच्चों? नंबरिंग करता हूं। ये देखिए वन और ये टू, ये जो मिथाइल ग्रुप है ना वो कहां से शिफ्ट होगा? यहां से शिफ्ट होके इस नाइट्रोजन पर अटैच होगा। अब ये नाइट्रोजन ऐसा नहीं है कि वो फाइव या फोर वैलेंसी शो करे, और ये जो है ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप ये बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। कैसे काम करता है बच्चों? बेटर, LEAVING, बेटर लिविंग ग्रुप की तरह आसानी से लीव कर जाएगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगी यहाँ पर, ठीक है? इसलिए ये रिएक्शंस फेवर करती है। तो अब ये जैसे ही शिफ्ट होगा तो इसका शिफ्ट कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। शिफ्टिंग कैसे, कि ये बॉन्ड जो है वो इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगा। अगले स्टेप में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके पाई बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। तो अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर। और ये जो है, अब इसको इरेज कर देते हैं, ये जो है इस तरफ रिमूव हो गया। अब देखिए यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बना देंगे, और ये यहां पर नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जो है न्यूट्रल करके नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देगा। नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई, अब क्या देखना है, ये डायरेक्टली इससे आके अटैच हो गया है। समझ में आ रही है बात? इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर जो होगा ये देखते रहिए आप, यहाँ पर जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्ज तो है ही ऑलरेडी, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन से कार्बन अटैच डबल बॉन्ड से, और ये जो है CH3 ग्रुप यहाँ पर आके अटैच हो गया। जैसे ही CH3 ग्रुप आके अटैच हुआ, अब अगले स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि ये जो है लोन पेयर दे करके इसको डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो चलिए अगली स्लाइड में हम इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, क्या स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पर देखते रहिए। CH3 यहाँ पर जो है नाइट्रोजन है, और उसे डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपने देख लिया। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या बोलेंगे बच्चों? मिथाइल आइसोसाइनेट। डन। चले अब आपको क्या कहना है कि जब मिथाइल आइसोसाइनेट फॉर्म कर लिया है, सबसे पहले हमने क्या किया था कि एसाइल क्लोराइड हमने लिया। ध्यान से देखिए, ये एसाइल क्लोराइड लिया, एसाइल क्लोराइड को हमने किस में कन्वर्ट किया? एसाइल एजाइड में। अब जैसे ही एसाइल एजाइड का जब हमने रीअरेंजमेंट करवाया, 1,2-मिथाइल शिफ्ट बोलिए या हॉफमैन रीअरेंजमेंट करवाया यहाँ पर जो है मिथाइल का, तो क्या फॉर्म किया? सॉरी, यहाँ पे देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट फॉर्म किया। समझ में आ रही है बात? अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस करवाएंगे। कौन सी रिएक्शन करवाएंगे बच्चों? हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देखते रहिए कि ये जो है, ये ओ यहाँ पर जो एच है ये लोन पे, यहाँ पे देखेंगे ये नाइट्रोजन जो है ना, ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी इसे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है इसकी तरफ, और नाइट्रोजन भी पुल कर रहा है। तो ये कार्बन इतना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगेगा, जिससे कि आपको क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है वाटर जैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे यहाँ पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर, और ये बॉन्ड जो है इधर ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो अगला स्ट्रक्चर मिल के आए निकल के आएगा वो एन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे जो है ओ, यहाँ पर जो है एच, और यहाँ पर जो है H, और यहाँ पे आप इसको भी देख लीजिए ये O माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है ये अनस्टेबल है। क्या ये अनस्टेबल है? क्या हो गया बच्चों? अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा, मोस्ट ऑफ चांसेस होता है कि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अनस्टेबल स्पीसीज हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डीप्रोटोनेशन होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि ये क्या करेगा कि इंट्रा मॉलिकुलर अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन होता है, कि अंदर से जितना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बहुत कम है, आसानी से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं एक्सटर्नल सोर्स या बाहर से आप वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन लोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि इंट्रा मॉलिकुलर ही हो, एक ही मॉलिक्यूल से। तो ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड किधर ब्रेक हो जाएगा? इधर ब्रेक होगा।
समझ में आ रही है बात? जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो नया स्ट्रक्चर हमें मिल के आएगा वो क्या मिलेगा, बोलो बच्चों, सी एच थ्री, यहाँ पर जो है एन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर जो है ओ और इधर एच, और यहाँ पर जो है ओ और इधर एच, ये स्ट्रक्चर मेरा मिलके आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले स्टेप की रिएक्शंस की। अगले स्टेप में आप ये देखोगे कि जैसे ही ये ओ है तो यहाँ पर डी प्रोटोनेशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे जो है ये स्टेबल होना चाहेगा, तो जैसे ही क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स और आएगा और यहाँ से जो है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। जैसे इधर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मेरा एनायन जनरेट होगा, वो जो एनायन होगा यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो है ये ओ, इधर आप पे एच लिख दीजिए, और यहाँ पे जो है ओ माइनस, ठीक है, ये तो मेरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर गया। अब बात क्या करनी है, यहाँ पे देखते रहिए कि जैसे ही ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया हुआ है, ये किधर बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर, ये नाइट्रोजन जो है इधर ब्रेक करेगा, तो देखिए ये पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, तो एक एक इलैबोरेटेड स्ट्रक्चर, डिटेल में मैकेनिज्म को समझेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, चलेगा, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन होगा मेरा, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये मेरा क्या हो गया, सॉरी, एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है कार्बन, और यहाँ पर ये जो है डबल बॉन्ड है, हाँ, और ये मेरा ओ, और इधर कहीं मेरा हाइड्रोजन है। समझ में आ रही है बात? अब आपको क्या करना है कि ये जो रिएक्शंस होगी, अब डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, बोलो बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये क्या करेगा कि इंट्रा मॉलिकुलर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, और ये वाला जो बॉन्ड था, ध्यान से देखिए, ये वाला जो बॉन्ड है, ये तो आया ही आया, ये बॉन्ड इधर वापस ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव। इसको दो स्टेप में कर देते हैं, अभी इसको रहने ही देते, दो स्टेप में करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अब जो अगला हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखते जाइए आप बच्चों, सी एच थ्री, यहाँ पर जो है एन, यहाँ पर जो है एच, और यहाँ पर जो है कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये बॉन्ड दोबारा इधर आएगा तो इधर आएगा, ठीक है, और ये इधर ब्रेक हो जाएगा, तो जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके CO2 गैस रिलीज कर देंगे। कौन सी गैस, CO2 गैस जैसे रिलीज होगा, इस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या बोल देते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ CO2 को क्या बोल देंगे, बोलो बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, और यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे क्या हो गया, आर एन एच नेगेटिव चार्ज, और ये जो है नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोटोनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, प्रोटोनेशन रिएक्शन। ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या फॉर्म कर देगा, प्राइमरी एमाइन। यहाँ पर R की जगह आप इसको ऐसा ना लिख के क्या लिख सकते हो, सी एच थ्री लिख सकते हो। अब जो है प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा सी एच थ्री एन एच टू, और ओ एच जो है मेरा माइग्रेट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो जो मेरा मेन प्रोडक्ट था वो मेरा क्या मिल गया है, प्राइमरी एमाइन। और हम एमाइन चैप्टर में हम एमाइन की सिंथेसिस की ही बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टेप में समझ में ना आया हो तो आप रिवाइज करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं दोबारा स्ट्रक्चर या रीअरेंजमेंट को ड्रॉ करके जरूर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।